खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक तो बहुत ही बड़े दुख से गुजर रहा है परिवार। जो घटना घटी है, एक बेटी को पिता के सामने अभद्र भाषा बोला गया, पंक्तियां कसी गईं, और जब पिता ने उसका विरोध किया तो उसको चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। उसका बेटा बचाने आता है, उसको भी चाकुओं से गोदा। मैंने आज मुलाकात की, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी मैं उसके ठीक थोड़ा समय पहले दिल्ली से बाहर गया था, और आते ही मैंने यहाँ मुलाकात की, तो मिलने से परिवार का थोड़ा सा दुख हम बांट लेते हैं। अब परिवार की जो बातें हैं, उस शुरू में मैंने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका इस केस को देखा जाना चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। परिवार और हम भी कहते हैं ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, बर्बरतापूर्ण जो घटना घटी है, ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग हैं। मैंने सीपी से भी बात करी, कुछ लोग जो यहाँ पे मिल के आए थे हमारे, वो एचएम सर से भी मिले हैं, और हम किसी भी दोषी को, और जो गिरफ्तार हैं वो तो हैं ही, जो अभी जो दो चार भागे हुए हैं उनकी भी जल्दी से गिरफ्तारी हो, हम इसकी मांग करते हैं, और ट्रैक फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसमें फैसला हो और इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। परिवार को आगे भविष्य उनका कैसे चले इसकी भी चिंता करना आवश्यक है। सर, एक ये भी खबर आ रही है कि जो लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व थे उसमें कुछ बांग्लादेशी भी होने की बात चल रही है, क्या एनआरसी की जो आप लोग बात करते आए हैं कि पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए, अब क्या दिल्ली में भी वो वक्त आ गया कि इन सारी चीज़ों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से, अभी जब मैं बात कर रहा था तो भी पता चला कि वो लोग कुछ बांग्ला भाषा जैसी भाषा बोलते हैं, तो ये तो हमारे दिल्ली का, देश का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्याज, तो ये वही वर्ग दिख रहा है। उसके लिए अपराध एकदम चुटकी का खेल जैसा है, मर्डर, मारपीट, चोरी, ये सब उसके लिए लगता है जैसे कि चुटकी का खेल है। इस केस में भी ऐसा आया है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में भी एनआरसी तुरंत लागू होनी चाहिए और ऐसे सारे लोगों के खिलाफ जो इस तरह से आ करके और लोकल गवर्नमेंट की सहायता से वो राशन कार्ड पा गए, आधार कार्ड पा गए, इनकी सारी एनआरसी लागू होनी चाहिए। एनआरसी लागू हो और इन सारे इलीगल घुसपैठियों को इन यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में इतना बड़ा थ्रेट है कि उसकी कल्पना हम आप कर सकते हैं इस घटनाओं को देख करके। सर, अरविंद केजरीवाल ने कल एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि 24 घंटे 48 घंटे से पहले लग रहा था कि आम आदमी पार्टी 7 सीटें जीतेगी, लेकिन एन वक्त पर 24 घंटे पहले जो मुसलमान वोटर हैं वो पूरी की पूरी तरह कांग्रेस पर शिफ्ट हो गए। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों की, अपने करने की बात क्यों नहीं कर रहे? जब आप दिल्ली को दुर्दशा के इस कगार पर पहुंचा देंगे तो आपकी हार होनी निश्चित है अरविंद केजरीवाल, और उनको आभास हो गया है। हम अगर एक लाइन में कहें तो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि सबसे कम समय में एक पार्टी आई और समाप्त हो गई, वही आम आदमी पार्टी के साथ होने जा रहा है। सब मुस्लिम वोटर का शिफ्ट होना कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस की तरफ? उनका कहना कि ये वोटर जो है कांग्रेस की तरफ चला गया, तो उस पे बीजेपी कैसे देख रही है सारी चीजों को? देखिए, हर समाज अपने लिए बेहतर वातावरण चाहता है।
हमारे देश को जो हिंदू मुसलमान में बांट करके चलने की जो नियत रही है अरविंद केजरीवाल की, वो अब उनको उसका फल भोगना पड़ेगा। सर आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि नॉर्थ एमसीडी जो है उसके 5,000 करोड़ से ज्यादा फंड जो है वो दिल्ली सरकार रोक के रखी है, ये आरोप लगा रहे हैं आप दिल्ली सरकार पर, इस पर क्या कहना है? देखिए 5,300 करोड़ के आसपास हमारे नॉर्थ एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, ये सब लोग हैं, उनके वेतन बाकी हैं और सारा वो फंड रोक करके बैठे हुए हैं। तो ये तो इसको बैड गवर्नेंस से आगे भी अगर कुछ कहेंगे कि बदला लेने वाली गवर्नेंस जो कर्मचारियों से बदला ले रही है, जो चाहती है कि सारी व्यवस्था ठप हो जाए, तो इस नियत से उन्होंने ऐसा काम किया है। अब आज एक बड़ी न्यूज भी है न्यूज अखबार में, तो मैंने वो देखते ही मेरा तो मेरा मन बिल्कुल खराब हो गया। मैंने इसलिए कहा कि अरविंद केजरीवाल कम से कम ऐसा तो मत करो, ये सारे वही लोग हैं जो तुमको चुन करके लाए थे भाई, और आप इन्हीं का वेतन और रोकने का काम कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा सदमा दे रहे हैं वो। तो आज मैंने वही प्रार्थना की है कि आप ऐसा मत करें, तुरंत ये फंड रिलीज करें ताकि सब लोगों को वेतन दिया जा सके। कल प्रधानमंत्री ने पहले ही प्रेस वार्ता की जिसमें सभी मीडिया कर्मी पहुंचे और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनाने जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए कल प्रधानमंत्री जी ने अपने सहजता का परिचय दिया, वो आए मीडिया के साथ बैठे और उन्होंने अपनी बात कही, और जो उनके चेहरे पे जो भाव थे एक नई सरकार फिर से बनने की जो विश्वास था वो दिखा, और उन्होंने अपनी बात आकर के मीडिया के सामने कही और एक बड़े अनुशासित कार्यकर्ता की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को महत्व देते हुए उन्होंने बात करी। सर इसी पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जो भी मीडिया द्वारा सवाल पूछे गए उसका जवाब जो है वो अमित शाह देते दिखे, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अगली बार जब ऐसा कोई वाकया होगा तो शायद अमित शाह प्रधानमंत्री को मौका दें बात करने के लिए, जवाब देने के लिए। देखिए राहुल गांधी का जो नशा है ना, वो सर चढ़ के बोलता है, उनको नहीं पता है वो अगर मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी जी की तरह जगह अगर राहुल गांधी होते तो अपने अध्यक्ष को समझते ही नहीं, पूरा इतिहास पड़ा हुआ है अध्यक्ष को कुछ समझते नहीं लोग, और ये लोग जब उपाध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझे, जब मन करे तो पन्ने फाड़ दिया करते थे, वो इस प्रोटोकॉल को समझ ही नहीं सकते हैं। पार्टी के हेड के साथ अगर बैठे हुए हैं कोई, भले ही देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठे हैं तो उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, कल मोदी जी ने बताया है, राहुल गांधी को सीखना चाहिए इससे। सर राहुल गांधी ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो नॉन यूपीए ऑपोजिशन है वो भी कांग्रेस के साथ है और इस बार ये श्योर है कि बीजेपी की सरकार वापस नहीं आने वाली। देखिए ये देश बहुत समझदार हो गया है और राहुल गांधी जैसे लोग इसीलिए हाशिए पे जा रहे हैं कि ये सिर्फ निगेटिविटी में विश्वास करते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी को नहीं आने देना है, नरेंद्र मोदी के जैसा काम करने की तो सोचो, नरेंद्र मोदी के जैसा गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को, उनके जीवन में खुशी लाने की तो सोचो। तो मैं समझता हूँ एक बार फिर से इनके मन में लड्डू फूटा है ना प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन लड्डू फूटते ही बाकी लोगों ने आंखें तरेरी हैं तो फिर से वापस चले आए हैं। वास्तविकता ये है कि अब ये विडंबना ही है कि जो 40-42-30-35 सीट लेकर के भी प्रधानमंत्री बनने की सोचने लगे, तो ऐसे लोगों के लिए देश सिर्फ हंस सकता है और कुछ नहीं। सर एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी पर आप बंगाल में भी प्रचार करके आए, उन्होंने कहा कि जो स्टैचू तोड़ा गया है वो एक बहुत शर्मनाक घटना है और उन्होंने एक पोएम के जरिए इस पूरे वाकया को एक तरह से बीजेपी के ऊपर पूरी तरह थोप दिया। देखिए ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में इस समय गुंडागर्दी की सरकार चला रही हैं,
वैसे तो वो दीदी हैं, लेकिन वो दादागिरी पे उतर गई हैं। और दादागिरी शब्द भी सॉफ्ट है ममता बनर्जी के लिए। जिस प्रकार से निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, हमारे 100 के आसपास कार्यकर्ता, उनकी हत्याएं हो गई हैं, ये ममता बनर्जी को बर्बाद कर देगा। मात्र सरकार उनके हाथ से नहीं जाएगी, बल्कि आने वाले समय में ममता बनर्जी, जो दीदी के नाम से जानी जाती हैं, माँ माटी मानूस की पैरवीकार खुद को बताती थीं, अब माँ माटी मानूस की वो हत्यारी के रूप में जानी जाएंगी। आने वाले समय में ये बंगाल की गलियों की आवाज़ है।